Hello all, let's continue the topic, that is role of nurse in intensive care unit. Okay, so already OPD mein nurses ke kya role hain, IPD mein nurses ke kya role hain, hum discuss kar chuke hain. Now we'll be discussing the role of nurse in ICU. Okay, so agar hum log ye dekhen ki ICU mein kya roles different honge compared to IPD, नहीं, रोल्स विल बी देयर. जो IPD में नर्सेस के रोल्स थे वही रोल ICU में भी रहेंगे, लेकिन कह सकते हैं थोड़े और इंटेंसिव केयर की डिमांड ज़्यादा रहेगी. ओके, तो रोल ऑफ नर्स को इन इंटेंसिव केयर समझने के लिए पहले हमें ये बताना समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटेंसिव केयर यूनिट. के सो ICU, बेसिकली जो ICU है इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि एक तो इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, दूसरा होगा क्रिटिकल केयर यूनिट CCU, मतलब सेम है, मीनिंग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट है इंटेंसिव थेरेपी यूनिट ITU, राइट. कुछ है कॉरोनरी केयर यूनिट, हाँ, इसमें कॉरोनरी केयर यूनिट मतलब बेसिकली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को इसमें रखा जाता है. ओके, सो दैट इज कॉरोनरी केयर यूनिट, बट है ICU ही. ओके, yes, so these are some of the names that has been given to the different like the wards that is dealing with the patient who have the critical who need the critical care. okay, matlab bol sakte hain isme wo patients rehte hain jinko life threatening condition rehti hai. okay, yes, a specialized section of the unit containing the equipment, medical and nursing staff and monitoring devices necessary to provide the intensive care. मतलब बोल सकते हैं हॉस्पिटल का एक ऐसा यूनिट जहाँ पे हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट. अब वो चाहे हो नर्सिंग स्टाफ, वो चाहे हो मेडिकल स्टाफ, चाहे वो हो ऑल द इक्विपमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऑल द मेडिसिंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिंस होती हैं, हर एक वार्ड्स में नहीं होती है, ये आप खुद भी जानते हैं, वहाँ पे अवेलेबल रहती है. साथ में वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स रहते हैं जो ज़रूरी है पेशेंट को वापस से लाइफ में रिवाइव करके लेके आने के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, राइट. और उसको इस तरह से, उस यूनिट को इस तरह से बनाया जाता है कि जो पेशेंट है उनको क्रिटिकल केयर प्रोवाइड किया जा सके. ओके, सो दैट इज ओनली ICU. ओके, सो दिस यूनिट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस केयर टू द पेशेंट हु आर क्रिटिकली इल. मतलब ये उन पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही क्रिटिकली इल होते हैं, बोल सकते हैं कि जो टर्मिनली इल होते हैं. अब जैसे हम लोग पेशेंट्स को कंसिडर करें तो एकदम कोई एक्सीडेंट केस आता है, चांसेस है बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हो, जैसे कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनको एडमिट किया जाता है ICU में, या फिर कोई बर्न पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका हो, ऑब्वियसली बर्न यूनिट में रखते हैं बट बर्न ICU में रखेंगे, राइट. तो ऐसे ऐसे केसेस को ICU में रखा जाता है कि सो दैट वी कैन गिव द क्रिटिकल केयर टू द पेशेंट. ओके, एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर आप जानते ही हैं, दैट इज़ अ केयर दैट कंटेन्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ. ओके, यस, क्रिटिकल केयर इज़ अ मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशलिटी. अब मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशलिटी मतलब वो यूनिट जहाँ पे सिर्फ एक स्पेशलिटी का बंदा यूज़ नहीं होगा. ऑब्वियसली कॉरोनरी केयर यूनिट में स्पेशली जो कार्डियक सर्जन होंगे, कार्डियक डॉक्टर्स जो होंगे, दे विल बी देयर, बट यहाँ पे जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वो मल्टी प्रोफेशनल है, मतलब वहाँ पे हर एक प्रोफेशन के पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइन, दैट इज़ फिजिशियन, नर्सेस, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक हॉस्पिटल में काम करती है उन सब का वहाँ पे होना ज़रूरी है. ओके, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रेफर टू एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब हर एक प्रोफेशनल्स. ओके, हु यूज देयर यूनिक एक्सपर्टीज इन ट्रीटिंग फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट. जो अपने अपने एक्सपर्टीज, मतलब जो जिसमें अच्छा है, फार्मासिस्ट है तो वो ड्रग्स के बारे में अच्छा है, राइट. जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा है, राइट. जो कार्डियक सर्जन है वो सर्जन मीन स्पेसिफिकली फॉर कार्डियक
कंडीशंस के लिए वो अपने एक्सपर्टीज देंगे, राइट? न्यूरोसर्जन है तो वो न्यूरो कंडीशंस के लिए देंगे. सो दैट एवरी एक्सपर्ट पर्सन शुड बी अवेलेबल एंड दैट पर्सन विल गिव देयर एक्सपर्ट नॉलेज एंड विल ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. ओके, यस. क्रिटिकल केयर इज प्रोवाइडेड वेयर लाइफ इज थ्रेटेंड, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. मतलब क्रिटिकल केयर कहाँ प्रोवाइड की जाती है? जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब लाइफ के बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी रिवाइव करके उनको लेके आना. ओके, पेशेंट्स आर रेयरली एडमिटेड टू दिस यूनिट. रेयरली एडमिटेड टू दिस यूनिट मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बिल्कुल एडमिट नहीं होते हैं, नो, बट डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट नहीं होते हैं. ऑलमोस्ट जो भी पेशेंट होते हैं, अगर जैसे सीरियसली इल पेशेंट हो, कोई इमरजेंसी केस भी हो, तो वो पहले एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएगा. वहाँ पे या तो इमरजेंसी वार्ड में, कैजुअल्टी वार्ड में उसको रिसीव किया जाएगा. उसके बाद उनको जो बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, मेडिसिंस देंगे, उनको दिया जाता है एंड विल बी केप्ट देयर फॉर सम टाइम्स, सो दैट अगर वो नॉर्मल हो रहे हैं प्रॉपरली, इजीली वो चेंज हो रही है उनकी कंडीशन, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी शिफ्टिंग द पेशेंट टू द डिफरेंट वार्ड्स. लेकिन अगर उनकी कंडीशंस सही नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत भी वाइटल्स में या फिर कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, तो उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है. यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये है कि रेयरली एडमिट होना मतलब डायरेक्टली वो आके यहाँ पे एडमिट नहीं होता है, पहले उनको रिसीव किया जाता है एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड में. फाइन, यस. रैदर दे विल बी रिसीव्ड इन इमरजेंसी वार्ड and provided with basic support, and after that according to the condition of the patient is being shifted to this unit or other. मतलब condition के हिसाब से, patient की situation के हिसाब से उनको shift किया जाता है. Okay, yes. Now we can discuss, क्योंकि ICU क्या है, उसमें कौन कौन से patients admit होते हैं, multidisciplinary team की ज़रूरत रहती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं. ICU क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now we can go for the role of nurse in ICU. Okay, so first is, जो basic IPD के patient के जो role रहते हैं वो तो nurses को करना ही है. इसके अलावा जो nurses से demand है, या फिर बोल सकते हैं nurses को ये care करनी ही है. Okay, so that are the roles. Nurses care for the patient who are critically ill and life-threatened condition. जैसे कि मैंने कहा, ICU एक ऐसा unit है hospital का जहाँ पे ऐसे cases आते हैं जो बहुत ही emergency situation होती है, जहाँ पे life-threatening condition होती है और जहाँ पे critical care देना ज़रूरी है. तो nurses have to provide that care. They assess and monitor a patient closely as it will indicate the subtle changes in patient and can give the intervention. Fine, इसमें जो nurses हैं उनका main role है कि वो उनको जो patient है उनको closely monitor करना है, check करते रहना है, assess करते रहना है. क्यों? क्योंकि जब वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो उनको वो एक माइन्यूट सा भी अगर कोई चेंजेस आता है उनके पल्स रेट में, उनके रेस्पिरेटरी कंडीशन में, राइट, तो उनके टेम्परेचर में, तो वो क्या कर सकती है, सडन उसके लिए एक एक्शन लेके इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कंडीशन वर्स्ट हो सकती थी उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं. ओके, द नर्सेस हु आर वर्किंग इन दिस यूनिट नीड्स टू बी क्विक इनफ टू डील विद द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. यस, यहाँ पे जो नर्सेस काम करते हैं, स्पेशली जो आईसीयू में काम करते हैं, दे हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, दे हैव टू बी वेरी क्विक एंड इन टेकिंग द डिसीजन, इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, इन अंडरस्टैंडिंग दैट यस द पेशेंट्स कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग एंड सडनली दे हैव टू जस्ट इन्फॉर्म द फिजिशियंस और द कंसर्न पर्सन एंड हैव टू डू समथिंग टू इंटरवीन द और टू प्रिवेंट द पेशेंट कंडीशन. द नर्सेस नीड टू बी इंटरप्रेट, इंटीग्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रे ऑफ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन. मीन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो नर्सेस हैं वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उन्हें क्लिनिकल हर एक मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता होना चाहिए
कि व्हाट इज़ द कंडीशन कि अब पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी पल्स रेट हाई होता है, वो पेशेंट की जो भी डिजीज़ कंडीशन हो अकॉर्डिंग टू दैट कोरिलेट करके नर्सेस को समझ में आ जाना चाहिए, सो दैट वो क्विकली जाके जो कंसर्न फिजिशियन है, डॉक्टर्स है, उनको इन्फॉर्म कर सके. सो इट इज़ द रोल ऑफ द नर्स टू इंटरप्रेट इंटीग्रेट ऑल द क्लिनिकल फाइंडिंग्स सो दैट वो लोग सडनली उसको असेस करके और उसके लिए इंटरवेंशंस ले सके. ओके, यस. नर्सेस हैव टू डील विथ एंड ऑफ लाइफ केयर. जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज अ यूनिट वेयर द लाइफ थ्रेटेंड कंडीशंस एंड सीरियस इल पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट्स विल बी देयर. तो कई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे पेशेंट नर्सेस को एंड ऑफ लाइफ केयर, आई मीन टू से कि ऐसे पेशेंट्स के साथ भी डील करना होता है, डील इन द सेंस केयर करना होता है, जिनका लाइफ इज लाइक अबाउट टू, आई मीन्स द पेशेंट विल बी मूविंग अबाउट टू द डेथ, राइट. तो ऐसे केसेस को भी डील करना पड़ता है, उसमें उनको प्रॉपर केयर देना होता है, जितना हो सके उनको, जैसे कि मैंने कहा, पैलिएटिव केयर देना होता है. मतलब पैलिएटिव केयर इन द सेंस एंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम लोग उनको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनकी एनजाइटी को रिड्यूस करें, उनकी पेन को रिड्यूस करें, उनकी ब्रेथलेसनेस को रिड्यूस करें, एवरीथिंग हमको अपने माइंड में रख के उन पेशेंट को, वी नो दैट वी कैनॉट रिवाइव दैट पेशेंट, बट इन एटलीस्ट इतना केयर हमें प्रोवाइड करना है कि दैट डेथ शुड बी इन अ पेनलेस मैनर. ओके, यस. They have to deal with ethical dilemmas related to withholding, withdrawing or medical futile care. कई बार उनको ऐसे dilemmas को भी, dilemmas मतलब एक बोल सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा confusion आ जाना, right? आपके सामने एक problem की तरह कुछ चीज़, ethical dilemma, ethical आप जानते ही हैं जो हमारे ethics होते हैं, तो आपको care provide करना है according to the nursing profession. पेशेंट हमारा सेंटर्ड है, राइट, जिस पे हम लोगों को मेनली फोकस करना होता है. तो ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे हमें एथिकल डिलेमास से फेस करना पड़ता है कि कहीं बार पेशेंट है, आप जानते हैं यू कैन नॉट रिवाइव बैक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जानी है, कई बार उसको विथहोल्ड किया जाता है. जैसे एक पेशेंट है जिसको हम लोगों ने 10 या 15 दिन से वेंटिलेटर पे रखा है, बट नो, यू नो कि जैसे ही वेंटिलेटर से हटाया जाएगा द पेशेंट विल बी डेड. तो ऐसी सिचुएशन में विथहोल्ड करना, विथड्रॉ करना, और कई बार मेडिकल फ्यूटाइल मीन्स व्हाट, ऐसी केसेस जहाँ पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि दिस केयर इज़ नॉट नीडेड फॉर द पेशेंट. कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि वो केयर देने के बाद, जैसे कि CPR बोलो, दे फील दैट CPR देने से भी वो पेशेंट रिवाइव नहीं होगा, बट अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो पेशेंट रिवाइव करे. सो दैट इज़ मेडिकल फ्यूटाइल. इट इज़ देयर कंसेप्ट और इट इज़ देयर लाइक थिंकिंग दैट कि गिविंग दैट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो वॉन्ट बी एबल टू रिवाइव द पेशेंट. बट कई ऐसी सिचुएशन, कई ऐसे डेटाज हैं जहाँ पे रिवाइव बैक हुआ है. तो ऐसे केसेस में भी नर्सेस के आगे एक डिलेमा रहता है कि वॉट शी हैज़ टू डू, वेदर शी हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रिंस हॉस्पिटल्स और वेदर शी हैज़ टू सी द पेशेंट हुम शी केयर फॉर अ लॉन्ग टाइम और वेदर द शी हैज़ टू एक्नॉलेज द लाइक डिसीशन ऑफ द फिजिशियन. सो एवरीथिंग, दैट डिलेमा विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ द नर्सेस. ओके, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द केयर दैट द पेशेंट रिसीविंग. सो इसी डिलेमा के बीच में नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक पेशेंट के केयर के बारे में नॉट ओनली टू द पेशेंट बट ऑल्सो टू द फैमिली मेम्बर्स को भी बताना. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस यूनिट में वो पेशेंट्स रहते हैं जो बहुत ही क्रिटिकली इल होते हैं, लाइफ थ्रेटेंड कंडीशन होती है, उस कंडीशन में पेशेंट से कोई कंसेंट लेना या उनको ये कंडीशन के बारे में बताना कोई मतलब लाइक एक सॉल्यूशन नहीं है, या फिर वो बता नहीं सकते कि क्या डिसीजन लेना है. तो ऐसे केसेस में इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स की हर एक इन्फॉर्मेशन, लाइक कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट रिसीव हो रही है, उसके बारे में क्या क्या कंडीशन है पेशेंट की, उसके बारे में नर्सेस पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना. क्यों?
This will make the family informed about the condition of the patient so that they can take a decision whenever required. क्योंकि जैसे ही आप अगर हर एक information को update रखते हैं family member से, तो अगर ऐसी situation आती है जहाँ पे suddenly patient को resuscitate करना पड़ रहा है, defibrillation देना पड़ रहा है, या patient को shift करना पड़ रहा है ventilator पे, तो suddenly they can take the decision. They don't have to wait or they should not be in a confused state, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे. Obviously you know that कि medical condition हर एक person को समझ में नहीं आती है. So it is the responsibility of the nurses to make them informed about the condition of the patient, that कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, so that we can revive the patient. तो ऐसे cases में they should be informed and it is the responsibility of the nurses to inform them properly. Okay, most of the nurses work initially in MS unit, that is medical surgical unit, and after gaining experience will transfer to ICU. But some freshers opt for this ward, but they will be getting enough training before implementing to this ward. मतलब अगर देखें तो कई ऐसे nurses होते हैं जो काम करते हैं ICU में, but they have an ample of experience in medical surgical unit. Means they'll be getting all the experience that is actually essential to care for the critically ill patient, right? जो most of the nurses होती है वो इसी तरह से opt करती हैं कि जितना हो सके experience को gain करें and then they will shift to the ICU. But कुछ freshers ऐसे होते हैं जो they want to learn from the beginning, so they are opt for this ward and बट उनको भी सडनली नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता या फिर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता. दे विल बी गेटिंग इनफ एक्सपीरियंसेस, दे विल बी गेटिंग इनफ ट्रेनिंग सो दैट दे कैन गो एंड देन दे कैन जस्ट टेक केयर ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट. फाइन, सो दीज आर द रोल्स ऑफ नर्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट. जो IPD में जो नर्सेस के रोल है वो तो करना ही है, लेकिन साथ में जो बेसिक रोल, जो मेन रोल नर्सेस को ध्यान में रखना है इन इंटेंसिव केयर यूनिट आर दीज रोल्स. ओके, सो फॉर मोर डिटेल यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड लिंक बिलो, एंड आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक यू.